देवास की बीएनपी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए डकैती की योजना बनाते हुए 5 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों से पुलिस ने 2 कट्टे, 2 चाकू और चोरी के 2 चार पहिया वाहन भी जब्त किए हैं। आरोपी एक पेट्रोल पंप पर लूट करने की योजना बना रहे थे। देवास पुलिस कप्तान अंशुमन के निर्देश पर बीएनपी टीआई अमराव सिंह और क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को विजयगंज मंडी से पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी उज्जैन रोड के पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके पर भेजा। उसने मौके पर देखा कि 6 हथियारबंद लोग शराब पीते हुए लूट की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी पवन पिता सुभाष शिंदे निवासी ऋषि नगर उज्जैन, समीर उर्फ शहादाब पिता मोहम्मद जफर शेख निवासी राजेंद्र मार्ग कसाई बाड़ा धार, शाहरुख शेख पिता सलीम निवासी अनारबाग कॉलोनी खजराना इंदौर, कमलेश पिता मिश्री लाल चौहान निवासी प्रताप नगर देवास और वसीम पिता नियाज मोहम्मद निवासी मोमिन टोला देवास को पकड़ लिया। अंधेरे का लाभ लेकर आरोपी नीलेश पिता भरत सिंह ठाकुर निवासी राणापुर झाबुआ मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कारतूस और कट्टों के अलावा मिर्च पाउडर, चाकू भी जब्त किए हैं। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में आसपास के क्षेत्रों से 4 पहिया वाहनों की चोरी करना भी कबूल किया है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों के पास से करोड़ों रुपए के वाहन जब्त होंगे। मौके से भी चोरी की बोलेरो और वैगनार कार जब्त की गई है। एसीपी ने बताया पकड़े गए सभी आरोपी शातिर बदमाश और इनके खिलाफ पूर्व के भी प्रकरण दर्ज हैं। आरोपियों पर मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के मुंबई और नासिक, गुजरात के बड़ौदा सहित कई जिलों में आपराधिक केस दर्ज है। फरार आरोपी नीलेश ठाकुर राणापुर झाबुआ का निगरानी बदमाश है। उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 10 अपराध पंजीबद्ध है। जोधपुर में भी छत्तीसगढ़ थाना कोरबा के एक आपराधिक प्रकरण में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो चुका है। अब पुलिस सभी से कई मामलों में पूछताछ कर रही है। देवास से राम माल्या की रिपोर्ट।